अब नीतीश कुमार को अच्छा लगे या बुरा लगे, तेजस्वी यादव छोड़ने वाले नहीं है कि भैया हम हक मांग सकते हैं, हिस्सा मांग सकते हैं, आप क्यों नहीं। जब वो नहीं नीतीश कुमार के साथ रह सकते हैं, उनको नीतीश कुमार अपने पार्टी में नहीं रख सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति वही है, तो तेजस्वी यादव का क्या होगा। जदयू को बैकफुट पर लाने की कोशिश और उसके पीछे सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो उपेंद्र कुशवाहा का है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सरकार अब नीतीश कुमार के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। अब सरकार ना कहकर कुर्सी भी कह सकते हैं, इसी कुर्सी पर मारामारी है। उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अब चार कुर्सी के चार पौआ है, एक पौआ उपेंद्र कुशवाहा लेंगे, एक मांझी लेने के लिए तैयार हैं, और एक तरफ तेजस्वी यादव हैं। बाबा जाने की कोशिश करेंगे। बाबा लालू प्रसाद यादव पूरा कुर्सी हथियाने के चक्कर में लगे रहते थे, ये लोग हिस्सेदारी मांग रहे हैं नीतीश से। देखिए, वक्त बदलता है और लालू प्रसाद के राजनीतिक रूप से कहा जाए कि एकदम हाशिए पर जाने के बाद जी अलग तरह से बिहार की राजनीति बदली है। कल तक नीतीश कुमार छोटे भाई हुआ करते थे, जी जी, अब छोटे भाई के रोल में आ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, और नीतीश कुमार हो गए हैं बड़े भाई। और अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ा भाई जो है छोटे भाई के हिस्सा पर नजर रखता है, चाहता है कि थोड़ा सा दाएं बाएं करके बुझाएगा, नहीं तब तक मार, हाँ, मार दो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ऐसा छोटा भाई नहीं है, देश दुनिया घूम के आ गए हैं, मतलब जितना वो घूमे हैं उतना ये भी घूम लिए हैं। हर सदन से घूम करके आए हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, आप रहे हैं तो जी। बिहार में भी उनकी स्थिति अच्छी है, भले बिहार में आप मंत्री नहीं बना करके एक पद उनका कम कर दिए, लेकिन हैं तो आपके भाई। और उपेंद्र कुशवाहा ऐसा लैया लगाते हैं कि जिसको बुताना मुश्किल हो जाता है। धधका तो दिए हैं बिहार की राजनीति, और इस राजनीति के धधकने के बाद कई लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य का एहसास होने लगा है। जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसी ने रोका है, जहां जाना है वहां जाएं, और वो कह रहे हैं कि जाएं क्यों, आप मेरा हिस्सा हड़पना चाहते हैं, हिस्सा दीजिए। इसका मतलब है कि कई लोगों का कान खोल दिए हैं। कल आपने खबर चलाया था कि मिलने जा रहे हैं नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी। उसके बाद आपने एक और खबर चलाई कि ललन सिंह तेजस्वी यादव से मिलने गए। ये पिछले कितने दिनों में हुआ है? 15 दिन में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आए हो, या जदयू और राजद एक साथ आई हो, जदयू और राजद के बीच पिछले 15 दिनों से जो विवाद पैदा हुआ है उससे साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार एंगल चेंज कर चुके हैं। इस विवाद का असर इस पर भी पड़ रहा है, जहां भी जाते हैं लोग पूछता है सरकार बचेगी, मतलब लोगों को भी कंफ्यूजन है कि सरकार रहेगी कि बचेगी, उनको भी नहीं पता है। सीधी सी बात है कि आप 17 साल से एक ही, मतलब अगर आपके घर में कोई हिस्सेदारी हो, उस हिस्सेदारी पर आप कुंडली मार कर अकेले बैठे हुए हैं, किसी को आप हिस्सा दे ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चिंता तो सबकी होगी ना। और तेजस्वी यादव इस इंतजार में बैठे हुए थे कि इस, देखिए ना आप, इसी बीच में तेजस्वी यादव को क्या क्या नहीं देखने को मिला। जी, जी। एक तो वो पहले ही से आहत थे कि नीतीश कुमार 2017 में उनको हाथ छोड़ करके भाग गए थे। जी। दूसरा, जब वो दोबारा आए तो उस बीच में 2 घटनाएं घट गई। पहला तो ये घट गया कि आरसीपी सिंह को जो सबसे करीबी कहे जाते थे, आरसीपी सिंह ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पार्टी वही चला रहे थे। जी। नीतीश कुमार को स्थापित रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया है, और इस बात से इनकार अभी तक कोई जदयू क्यों नहीं किया है। जी। उसके बाद जब वो नहीं नीतीश कुमार के साथ रह सकते हैं, उनको नीतीश कुमार अपने पार्टी में नहीं रख सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति वही है, तो तेजस्वी यादव का क्या होगा। तेजस्वी यादव दूर के हैं, बिल्कुल। तेजस्वी यादव की चिंताएं बढ़ने लगी, और तेजस्वी यादव फिर से, उनको ये समझ में आया कि भैया नीतीश मॉडल नहीं, लालू मॉडल ही सबसे बढ़िया है। और लालू मॉडल क्या है? ठोक बजा के कैसे सरकार में आना है, माने वो तो हर कोई जानता है ना कि लालू मॉडल क्या है। अब हम जानते हैं नहीं जानते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी जानती है कि नहीं जानती है, लेकिन नीतीश कुमार जनाने के लिए है ना। जब तेजस्वी यादव के सामने, अच्छा एक चीज बताइए, आप और आपके पिताजी दोनों साथ में बैठे हुए हों, और वहां आपके घर का कोई बड़ाई करे और चुपचाप आपके पिताजी सुनते रहें, तो इसका मतलब है कि आप में कुछ बात है ना। जी। वैसे ही नीतीश कुमार मंच पे बैठा करके और तेजस्वी यादव के सामने ये कहते हैं कि 2005 से जानते के पहले जानते थे कैसा सरकार चल रहा था, तो इसका मतलब है कि 2005 से पहले जो सरकार थी वो सही सरकार नहीं थी। जी। और उसके मुखिया कौन थे? तेजस्वी यादव के माता और पिता दोनों, एक होते तो बात अलग था, दोनों। तो ऐसी स्थिति में अब ये बात तो स्पष्ट है कि उस सरकार में बहुत कुछ ऐसा होता था जो नहीं होना चाहिए था। जी।
इन सारी बातों के साथ साथ जो तेजस्वी यादव सोच रहे थे कि अब एकदम बिल्कुल ए टू जेड के हो जाएंगे, बदल देंगे अपना सब कुछ, संस्कार बदल देंगे, उनको उपेंद्र कुशवाहा ने झकझोड़ा है कि भैया हम हक मांग सकते हैं, हिस्सा मांग सकते हैं, आप क्यों नहीं। तेजस्वी यादव हक हिस्सा मांगने के लिए नहीं, लाठी पैनल लेकर के तैयार हो गए हैं कि आप तो सॉफ्ट से मांगिएगा ना, आप गुहार लगाइएगा, पंचायती बुलाइएगा, लेकिन हम पंचायती वाले नहीं हैं, हम सीधा हक छीनने वाले हैं, छीनने वाले। और उन्होंने शुरू कर दिया मंडल कमंडल जी, उन्होंने शुरू कर दिया धर्म और मजहब जी, उन्होंने शुरू कर दिया ग्रंथ और इस पर अनशन बोलना। इन सारी बातों को लेकर के पूरी प्लानिंग के तहत चल रहा था नीतीश कुमार को धीरे धीरे उस रास्ते पर लाना जहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दे जी। लेकिन एक तरफ जहां उन्होंने आरसीपी सिंह से यह वादा किया था, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को ला करके यह वादा किया था, और तीसरा तेजस्वी यादव के साथ भी वादा किया था जी। इस एग्रीमेंट की बात आते एक बार फिर से दरवाजे पर नॉक किया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि याद कीजिए वो लोग जो बैठे हुए थे एग्रीमेंट में, हम तो नहीं थे उसमें जी, हम तो नहीं थे। एग्रीमेंट क्या हुआ था ये एक बार फिर से रिकॉल करके अब देखते हुए, कोई कोई कागज पत्र आप भुला जाते हैं, खोजना पड़ता है तो अचानक कुछ कपड़ा वपड़ा खोजते हुए आपको मिल जाता है तो लगा दी दीदी ये तो यही था, और उसको पढ़ना शुरू कर दे इसमें क्या क्या था। जैसे ही भुलाइल कागज मिला है तेजस्वी यादव को, वैसे ही वो अपना हिस्सेदारी पर अड़ी हो गए हैं। आपने देखा कि उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले दो दिनों का, उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, या तो झुंझलाते हैं या बहुत ही कड़े शब्दों में प्रहार कर रहे हैं जी। आप देखे होइएगा कि चंद्रशेखर वाली बात पर आप ही ने खबर चलाई जी, जी। कि चंद्रशेखर वाली बात पर उन्होंने एक कोई बताने की वीडियो वगैरह भी आया था, बातचीत का अंश था जी। जिस अंश में साफ है लग रहा है कि चंद्रशेखर पर कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं और नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भैया हमारा सबसे बड़ा जो किताब है, ग्रंथ है, वो हमारा संविधान है भारत का, हम उसके अलावा किसी को नहीं मानते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने देखा होगा किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग चंद्रशेखर के बयान के बाद जितना वरिष्ठ नेता है सब बैठ करके मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं जी। इसका भी मतलब है कि ये सुधाकर सिंह वाले मामले पर क्यों नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए कि आलोक मेहता वाले बयान पर भी अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है तेजस्वी यादव का, और जदयू उस पर टूट गई थी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जदयू को बैकफुट पर लाने की कोशिश, और उसके पीछे सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो उपेंद्र कुशवाहा का है। उपेंद्र कुशवाहा के हक हिस्सा मांगते जितने भी भाई थे नीतीश कुमार के, सब तैयार हो गए, यहां तक कि आप देख लीजिए पुरनका लोग भी तैयार हो गया है। अब प्रशांत किशोर भी जगह पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी कई ऐसे लोग हैं जो हिडन थे, जो जिनका स्टेक था, हिस्सा था, और खास करके तब हिस्सा का और बात हो जाता है जब नीतीश कुमार खुद स्वीकार करते हैं कि पहले वो 40 लाख के करीब थे और अब 75 लाख के करीब हो गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बाकी लोगों के, इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, हम आपको कभी बताएंगे कि ये 75 लाख का क्या फर्जीवाड़ा क्या है। इस फर्जीवाड़ा का भी बहुत बड़ा लू फॉल्स है, वो सारा हम बताएंगे आपको आने वाले समय में। लेकिन वर्तमान बिहार की राजनीति में जिस तरह की घटनाएं तेजी से बदल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के बाद तेजस्वी ने पूरी तरह से अपना एंगल टेढ़ा कर लिया है जी। और तेवर बदलने के साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार के दरवाजे पर नॉक कर दिया कि भैया उनका हिस्सा देने से पहले हमारा हिस्सा बखरा फरिया दीजिए, आगे आप क्या कीजिएगा हमको नहीं पता है जी। अब इसका सीधा मतलब है कि आपने देखा होगा कि लालू स्टाइल में बिहार की राजनीति शुरू हो चुकी है। अब नीतीश कुमार को अच्छा लगे या बुरा लगे, तेजस्वी यादव छोड़ने वाले नहीं है और सुनने वाले भी नहीं है, क्योंकि कई बार ये कहने के बाद, पोथी पत्रा लेकर के बैठने के बाद, ग्रंथ लेकर के बैठने के बाद, जितना हमला जदयू की तरफ से हुआ राजद पर, वो सारा जाया हुआ, और तेजस्वी यादव ने और उनके पुराने थिंक टैंक जो लोग हैं लालू प्रसाद के साथ, जिन लोगों ने राजनीति की है, उन लोगों ने अब मन बना लिया है कि नीतीश रहें या जाएं, लालू स्टाइल में बिहार की राजनीति चलेगी, और इसी स्टाइल में आगे नीतीश कुमार को भी सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जाने से पहले हिस्सा बकरा जरूर फरिया लेंगे तेजस्वी यादव। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से अपनी हिस्सेदारी मांगी है, तेजस्वी ने भी स्पष्ट कर दिया है उनकी रणनीति क्या है, वो कैसे राजनीति करेंगे, और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के दबाव में नहीं, अब स्वतंत्र रूप से राजनीति करेंगे। तेजस्वी को भी इस बात की भनक लग चुकी है कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कुछ खेल करना चाहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे को घंटी बा
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।